ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां रोड बनाने में दर्जनों हरे पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ा, और चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां 44 डिग्री पहुंचा टीकमगढ़ का तापमान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गिरिडीह के खोरी मऊआ से है, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाकर पेड़ लगाने को प्रेरित कर रही है। वन विभाग हर वर्ष लाखों पेड़ लगा रहा है और बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहा है। वहीं धनवार वन परिक्षेत्र के घोड़थम्बा स्थित ईटो चाच मोड़ से कुबरी जाने वाले मुख्य सड़क से कोदवाडी ग्राम के टोला पाटान जाने के लिए बनाए जा रहे रोड में आने वाले लगभग एक दर्जन बड़े बड़े हरे पेड़ों को जेसीबी के माध्यम से उखाड़ दिया गया है और फॉरेस्ट विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि जब पेड़ उखाड़े जा रहे थे उस वक्त फॉरेस्ट विभाग को इससे अवगत कराया गया, पर फॉरेस्ट विभाग की मिलीभगत होने के कारण विभाग कार्यवाही तो दूर तक देखने को नहीं मिली। वहीं लोगों ने बताया कि यही कारण है कि हर रोज घोड़थम्बा के आरा मिलों में जंगल से दर्जनों पेड़ लाए जाते हैं और माफियाओं के माध्यम से लकड़ी चीर कर महंगे दामों में बिहार तथा बंगाल भेज दिया जाता है। फॉरेस्ट विभाग मूक दर्शक बना रहता है। लोगों ने कहा कि अगर ऐसे ही पेड़ उखड़ते और कटते रहे तो पर्यावरण संरक्षण अभियान सपना बन कर रह जाएगा। वहीं धनवार वन क्षेत्र के फॉरेस्टर योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि हरा पेड़ काटना कानूनन अपराध है, पर निजी जमीन पर लगाए गए पेड़ को काटा या उखाड़ा गया है तो इसमें फॉरेस्ट विभाग कुछ नहीं कर सकता है। खोरी महुआ से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां भभुआ प्रखंड क्षेत्र के मचहलपुर गांव में मंगलवार को 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। शुरुआती मैच कबार एवं खैरा के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर कबार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 10 ओवर की मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कबार की टीम ने 87 रन बनाए। जवाब में उतरी खैरा की टीम ने 5 विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य की प्राप्ति कर विजेता बनी। इस बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए चौके छक्कों पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए आनंद उठाया और खेल प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भभुआ के जिप सदस्य भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का कमेटी के सदस्यों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं जिला पार्षद ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मैच के दौरान मुख्य एम्पायर की भूमिका में संजू पासवान ने शानदार तरीके से मैच का आंखों देखा हाल सुनाया। इस अवसर पर पप्पू पासवान, गणेश कुमार, अनुज सिंह एवं धर्मेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खेल प्रेमी मौजूद रहे। जी हाँ, कैसा कार्यक्रम है ये कार्यक्रम? मैं अभी भभुआ प्रखंड के मचहलपुर गांव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया है। ये टोटल 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है, जिसमें आज कबार बनाम खैरा के बीच में मैच हो रहा है और खिलाड़ी खेल रहे हैं और यहाँ की कमेटी जो मचहलपुर की कमेटी है उसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के नौजवान काफ़ी उत्साहित रहते हैं और बुजुर्गों का भी हमेशा साथ रहता है, अभिभावकों का बढ़ चढ़ के खेल ये लोग कराते हैं और मैं कहूँगा कि आने वाले समय में और बढ़ चढ़ के खेल हो और इस गांव में भी खेल मैदान की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से देख रहे हैं, जब जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो कराया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में हर गांव में अपने पास पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा खेल मैदान हो, जिससे युवा शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहें और खेलें और खेल के प्रति अपना करियर बनाएं और खेल 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 कर और अपने वो करियर को बना सकते हैं। तो युवाओं को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए और उनके करियर के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा कार्य करता हूँ और कैमूर जिला में हमेशा इस तरह कार्यक्रम आयोजन को बढ़ावा दिया जाता रहा है और हमेशा हमारे राज्य तक हमेशा इस तरह के आयोजनों को मैं बढ़ावा दूंगा। जी, आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 मई को मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। वहीं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के बरगदवा बाजार स्थित मुन्नर प्रसाद इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू की गलती से इस देश के 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा की जमीन आज भी चीन के पास है। ये पाप कांग्रेस के माथे पर लगा हुआ पाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमारे देश की तो छोड़ो, भारत ने पड़ोसी का धर्म निभाते हुए पड़ोसी देश की जमीनों पर चीन द्वारा किए जा रहे कब्जे से बचाने का काम किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को लेकर जो चारों तरफ वातावरण दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से मोदीमय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम किया है जनता उनके सुशासन को जानती है। मोदी और योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में महाराजगंज लोकसभा में मेरे मित्र पंकज चौधरी जी भारत सरकार के यशस्वी मंत्री के चुनाव क्षेत्र में आया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते से हमने ये सभा भी की है और जो चारों तरफ का वातावरण दिखाई दे रहा है मोदी जी के विकास के कामों को लेकर के, विजनरी कामों को लेकर के, दूरदृष्टि के आधार पर जनता में जिस ढंग से अपील आ रही है कि पूरा वातावरण मोदीमय है और माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम किया है जनता उनके सुशासन को भी जानती है, तो योगी मोदी की जोड़ी में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और माननीय पंकज चौधरी जी भारी मतों से जीतेंगे। मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ पहुंची सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने राजमहल लोकसभा से सीपीआईएम प्रत्याशी गोपिन सोरेन के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वृंदा करात ने 10 वर्षों के मोदी शासन पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार संविधान को नष्ट करने पर तुली हुई है। वृंदा करात ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी स्वायत्त संस्थानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा, यह पहला अवसर है जब चुनाव घोषणा के बाद 2 अलग अलग राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्री को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जेल भेजा गया। वृंदा करात ने राजमहल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रत्याशी गोपिन सोरेन को चुनाव जिताने की अपील की। कहा, माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है वो सरासर देश के सेक्युलर ढांचे पर हमला है। देश और संविधान को बचाने के लिए भाजपा व आरएसएस के ज्वाइंट वेंचर सरकार को हराना बेहद जरूरी है। सीएम के साथ जो हुआ है ये जबरदस्त अन्याय है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि चुनाव की घोषणा के ठीक उसी मौके पर 2 मुख्यमंत्रियों को ईडी के नाम पर जेल में बंद कर लिया है ताकि बीजेपी उसका फायदा उठाए। हकीकत क्या है, ईडी के रूप में नहीं, ईडी बीजेपी के पॉलिटिकल हथियार के रूप में काम कर रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के हमने सख्त इसका विरोध किया। सीपीआईएम बामदल, जहां तक यहां के मंत्री का सवाल है, जो 35 करोड़ रुपया नगद कैश पाया गया उनके पास, निश्चित रूप पर इसमें बहुत ही गंभीर आरोप है, ये भ्रष्टाचार के आरोप है, इसकी सही तहकीकात और सजा होनी चाहिए। देखिए, इसमें मुख्यतः 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि ये लोकसभा के चुनाव है, पिछले 10 साल मोदी जी, उनकी पार्टी और आरएसएस ये वहाँ राज किए दिल्ली में, और 10 साल में पूरे देश की जनता ने देखा कि देश की संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों के आधार पर, कुर्बानी के आधार पर, त्याग के आधार पर ये संविधान बना। 10 साल उस संविधान पर मोदी जी की लीडरशिप में जबरदस्त हमला हुआ। तो एक तो इसके खिलाफ देश भर की जनता, सीपीआईएम, इंडिया प्लेटफॉर्म एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। सिर्फ एक चीज मोदी जी के जमाने में 400 पार हुआ, वो है गैस का सिलेंडर का दाम। जब वो आए वो 400 रुपया का था और आज वो गैस सिलेंडर का दाम 1100, 1200, 400 पार। जब मोदी जी कहते हैं ना
इस देश की हर महिला कहती हाँ, 400 पार तो आपने करवाया हमारे गैस सिलेंडर के दाम, और हमारा पॉकेट मार आपने किया। वो बात छोड़िए, जहाँ पॉलिटिकल बात है, मोदी जी जानते हैं किसी भी हालत में इसका आधा भी इनको मिले इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए मोदी जी खुद ही मोदी की गारंटी की बात बोलने भूल गए। वो खुद ही मोदी की गारंटी नहीं करते हैं। अभी केवल और केवल नफरत के आधार पर देश को विभाजन करने के भाषण और वक्तव्य देते हैं। ये हमने कभी भी अपने इतिहास में, देश के इतिहास में कभी नहीं सुना कि देश की प्रधानमंत्री इस प्रकार की नफरत भरे भाषण देंगे और इलेक्शन कमीशन चुप बैठे हैं। ये बहुत ही खराब है, हानिकारक है हमारे देश की संसदीय प्रणाली के लिए। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में 44 डिग्री पर पहुंचा तापमान। लोगों को लू से बचाने के लिए 7 दिनों से भाजपा पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी एवं उनके कार्यकर्ता बांट रहे हैं आम पना। टीकमगढ़ शहर में बीते 2 दिनों से दिन का तापमान 44 डिग्री चल रहा है। 1 सप्ताह से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन के साथ रात का तापमान भी 28 डिग्री पर पहुंच चुका है। भीषण गर्मी को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आम लोगों को शरबत और आम का पना बांटा। पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से लोगों को गन्ने का रस, शरबत, आम पना, लस्सी पिला रहे हैं। हर दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग तरह के पेय पदार्थ लोगों को बांटे जा रहे हैं, ताकि भीषण गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व विधायक टीकमगढ़ राकेश गिरी गोस्वामी का क्या कुछ कहना है। भीषण गर्मी पड़ रही है और इस बार हम लोगों ने सोचा है कि प्याऊ शहर में कम खुली है, इसलिए जो बाहरी लोग आते हैं, हमारे शहर के लोग हैं, उन सभी प्रिय राहगीरों के लिए आज 7वां दिन है। 7 दिन से बराबर हम लोग शरबत पिलाने का काम कर रहे हैं और जब तक हरी इच्छा होगी तब तक यह काम निरंतर सभी के सहयोग से चलता रहेगा। और जो चक्रा की युवा उत्साही हमारी टीम है, ये पूरे टीम मनयोग के साथ काम कर रही है। पहले दिन उन्होंने वितरण किया, जब हम वितरण में शामिल हुए बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा आप कल से हम आपके साथ में वितरण कार्य करेंगे, तो आज 7वां दिन है। यह काम महीनों निरंतर जब तक हरी की इच्छा होगी निरंतर जारी रहेगा। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।